अमित जी, बात करें यहाँ से अगर आप सोयाबीन की, तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि यूएस फीचर्स $1,650 के आसपास हैं, और रशिया और यूक्रेन क्राइसिस भी देख रहे हैं जिसकी वजह से जो एडिबल ऑयल पैक है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रखा है। एनसीडीएक्स पर भी देख रहा था हमने कि जो सोयाबीन के प्राइसेस हैं 7200 के ऊपर निकल चुके हैं। ऐसे में अब आपको क्या लगता है, अब जो पोजिशनें रहेंगी सोयाबीन में, जो लेवल्स रहेंगे आगे, वो क्या रहेंगे? देखिए, जो काफी समय से तेजी के टारगेट थे, जो 7300 का एक व्यू था, वो अभी काफी नजदीक है सोयाबीन मार्च वाला में, और 7200 के करीब के लेवल फिलहाल चल ही रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो काफी समय से एक पेंडिंग टारगेट है वो अचीव हो रहे हैं, और लेकिन 7300 या ज्यादा से ज्यादा 7400 के करीब जाके मुझे लगता है कि मुनाफा वसूली का दौर देखने मिलेगा। तो जिनकी ऑलरेडी पोजिशन है, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एक बार अगर बुक कर ली जाए और ज्यादा होना किया जाए तो मुनाफे का सौदा हो सकता है, क्योंकि उस रीजन के बाद दोबारा हमें लगभग 6800 या 6800 के लेवल देखने मिलेंगे। जी।